हथ विच काले झंडे ते बैनर फड़ के कैप्टन सरकार दा पिट स्यापा कर रहे एह पंजाब रोडवेज ते पीआरटीसी दे वर्कर ने जो कि 2007 तो कच्चे मुलाजमा दे रूप विच काम कर रहे ने, पर सरकार ने हाले तक इन्हां नूं पक्के नहीं किया, जिसके चलदे ओह वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की कोठी का घिराओ करन लई पिंड बादल पहुंचे, जिथे उन्होंने कोठी तो महज 100 मीटर की दूरी ते अपना टेंट लगा के धरना प्रदर्शन किया। इस धरने दे विच बस चालक कंडक्टर तो इलावा वर्कशॉप विच काम करन वाले वर्कर भी शामिल रहे। इस मौके ते धरनाकारी कमलेश कुमार ने सरकार नूं चेतावनी दिंदे हुए आख्या कि जेकर सरकार ने उन्हां दीआं मंगां पूरीआं ना कीतीआं तां उह वित्त मंत्री दे घर तक पहुंचण तो गुरेज नहीं करनगे। जिहड़ा अज दा प्रोग्राम इत्थे प्रोजेक्ट रख्या उह असीं पिछले 14 सालों तो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग ते काम कर रहे हैं, पर पिछे सरकार 10 साल अकाली सरकार रही है, उन्हें सुनवाई नहीं की। पहला तो जो 2016 च आके एक्ट बनाया, जो सरकार जान लगी वो एक्ट तो बना गई पर साढ़े तो लागू नहीं किया गया। उस तो बाद कैप्टन सरकार उस तो बाद पहला कह रही थी भी जे साड़ी सरकार असी पक्के करांगे, कच्चे मुलाजम पक्के करांगे, नशे खत्म करांगे, बेरोजगारी खत्म करांगे, पर 4.5 साल सरकार नूं लंघ गए। अज तक साडा कोई सुनवाई नहीं की गई। साढ़े ड्राइवर नूं 14.5 हज़ार तनखा देंदे, कट कटा के 12 हज़ार आउंदी है। कंडक्टर 13.5 हज़ार देंदे है, उनकी कट कटा के 11.5 हज़ार आउंदी है। 11.5-12 हज़ार नाल की घर चलते जी अजकल। अभी सरकार तो यही मांग करते हैं भी 14-14 साल हो गए सानू काम करदे नूं ठेके ते आउटसोर्सिंग ते, तो सानू पक्के करे सरकार ताकि साढ़े घर चल सके, असी सेवा कर सकी लोगों की। डिपार्टमेंट के मुलाजम जो ये अज्जे आए वो है पंजाब रोड बंदोबस्त और पीआरसी जी, ये दोनों ट्रांसपोर्टा जी है सरकार की, वो दोनों मुलाजम आए हैं, उन्हें ड्राइवर कंडक्टर के वर्कशॉप के, वो इस कर रहे हैं। असं मनप्रीत संवाद साहब इस करके आए थे कराओ कर भी जी इन्होंने कमेटी बनाई थी पक्के करने पांच मंत्रियों की, उन्होंने अजे तक रिजल्ट 0 रहा, किसी मंत्री का बयान नहीं आया कि इन्होंने की करन जा रहे, करना या नहीं करना। साढ़े को टोटल ट्रांसपोर्टा 9,000 कर्मचारी है। एक गल तुम होर दसी है, थोड़े ध्यान नहीं होगी, आंध्रा च एक कानून पास किया उन्होंने, उसे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सी 51,000 मुलाजम यूनियन की लेटर पैड नाल ला के भी यूनियन की मंग है, डिपार्टमेंट का नुकसान होंगे असी वो नुकसान पहुँचाने वास्ते तो असं पक्के कर रहे हैं। वो टोटल 51,000 मुलाजम पक्का करता, पर साड़ी पंजाब सरकार पता नहीं की सोचती की करती पई, सानू समझ नहीं लग रही, साडे बारे कोई विचार नहीं हो रहा। किन्ने समय तो जिहड़ा किसी सरकार ने जिहड़े पक्के नहीं किए, किन्ने समय लंबे तो चलते आ रहे? ये जी 2007 तो वर्ती हुई सी, तो 2000 अज 21 चली जाता, तुम आप 14-15 साल हो गए। जे एक पॉलिसी बनी 2011 च, एक ये तुहाडे सामने कह दिंदे ना असीं पक्के कि नहीं कर सकते, कोई रस्ता नहीं सानू मिलता कानूनी, तो इन्हां कोल एक पॉलिसी सेफ पई है 2011 की, जिंदे तहत ये सारे बंदे पक्के कर सकते हैं, कोई स्टे नहीं हो सकता, उसते कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता। अज का की प्रदर्शन है तो? अज का प्रदर्शन यह है भी असं ये मांग करते भी जी इन्हों की कमेटी हैगी है 5 मैंबरी पक्के कराने लिए, वो साढ़े ना पैनल मीटिंग करे, सानू दसे भी 14.5 साल की असरी जिंदगी खराब करनी है, सानू कुछ करना भी अगे। अज असं जे अपने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी है उन्होंने घराव करने आए हैं, क्योंकि साढ़े मेन मंत्री असं दिल पास जो उन्होंने पीपल एंड पॉलिटी बनाई सी उदों असं उन्होंने बहुत थान धक्के खाधे, जिते धरना मुजारा होना उन्होंने कहना असं जाना, तो जे 4.5 साल होने तो बाद साड़ी कोई सुनवाई नहीं करनी तो फिर असं मंत्रियों से की करना। किस तरह का संघर्ष रहेगा? इतने अजे तो शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि सानू यह पता लग गया कि वो धर्मकोट मीटिंग कर रहे हैं, प्रधान नाल जो पंजाब का प्रधान रेशम सिंह गिल उन्हें मीटिंग चल रही है, जो उस रिस्पोंस देंगे भी अभी मसला हल करते हैं की है, फिर उन्होंने मैसेज आऊगा, जे मैसेज उत्ते गलबात नहीं होंगी फिर असं उन्होंने कोठी जाके बैठांगे तो उन्होंने पूछांगे साडा तुसीं की करना। अपनी मंगां नूं लैके पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमां दे वल्लों वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दी कोठी दा घिराओ करके सरकार दा पिट स्यापा कीता गया, अते नाल ही सरकार नूं चेतावनी भी दित्ती गई है। हुण देखणा होवेगा कि सरकार इन्हां दीआं मंगां कदों तक पूरियां करदी है। स्काई न्यूज़ पंजाब लई श्री मुक्तसर साहिब तों तरसेम टोडी दी रिपोर्ट। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबरों ते कॉल कर सकते हो। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो, Facebook चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।